ये 1960s का टाइम था जब राज कपूर और वैजयंतीमाला फिल्म नजराना और संगम करके रियल लाइफ में एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे और दोनों का अफेयर हर किसी की चर्चा का विषय था। पर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर को दोनों के बारे में पता चला तो वो घर छोड़कर मुंबई के होटल नटराज में रहने चले गई। तकरीबन 5 महीने बाद वो सिर्फ इसी शर्त पे घर को लौटी कि राज कपूर साहब अब फ्यूचर में कोई भी फिल्म वैजयंतीमाला के साथ नहीं करेंगे, और ऐसा हुआ भी, दोनों अलग हो गए। इसी बीच फिल्म की शूटिंग करते हुए वैजयंतीमाला एक झील में गिर गई, जिसकी वजह से वैजयंतीमाला को निमोनिया हो गया और उनके डॉक्टर चमनलाल बाली से वैजयंतीमाला को प्यार हो गया। फिर 1968 में दोनों ने शादी कर ली और वैजयंतीमाला अपना एक्टिंग का करियर छोड़कर चेन्नई चली गई और उन्होंने हाउसवाइफ का जीवन अपना लिया।